जैसा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर जो था रियल नंबर, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर विच इज़ पॉलिनोमियल्स। आइए इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स को पूरा कंप्लीट करते हैं। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट को पहले देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आराम से वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स का कुछ की कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि कॉन्स्टेंट्स, आपको पता ही होगा कॉन्स्टेंट किसको बोलते हैं, लेकिन भी जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जांपल में सेवन, तो सेवन का हम लोग कोई दूसरा नाम नहीं लिख सकते हैं। ये सेवन है तो सेवन है, तो ये कॉन्स्टेंट है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स वही जिसको जिसका वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 4x है या 5m+2 है, तो ये जो x हो गया इसका मान हमको नहीं पता है अभी। x का जगह में कुछ भी हो सकता है, x का चेंज्ड वैल्यू हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल एक सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल का दिया हुआ है, वो चेंज होता रहता है, तो यहाँ पे x का वैल्यू नहीं पता है। ये वेरिएबल है एक। अब वेरिएबल का आगे जो नंबर लगा हुआ रहता है वो होता है कोएफिशिएंट। देखिए ये तो कोएफिशिएंट हो गया, ये हो गया आपका वेरिएबल। टू अकेला दिख रहा है, एक ऑपरेशन है प्लस का ऑपरेशन, उसके बाद टू अकेला दिख रहा है। और ये जो अकेला टू है हम लोग पता किए थे अभी, टू का और वैल्यू नहीं बता सकते हैं, टू को टू ही बोलेंगे। तो ये टू जो है कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में क्या बोल सकते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जैसे मान लीजिए कोई एक ऑपरेशन हो, ठीक है, कोई एक वेरिएबल हो, मान लीजिए एक से अधिक भी वेरिएबल हो सकता है, एक से अधिक भी ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेशंस को जिसमें ऑपरेशन भी सॉरी जिसमें ऑपरेशन हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, ठीक है, कुछ कंबाइंड किया हुआ कॉम्बिनेशन हो इसका, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टर्म्स लिखो, टर्म्स दी सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑपरेशन। मान लीजिए एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मान लीजिए ये दिया हुआ है 5x+7, ठीक है, ये x है, 5x+7 एक एक्सप्रेशन है, ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, एक मिनट, ये जो एक एक हिस्सा है ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। आगे हम बताते हैं और अच्छे से, बेहतर समझ में आया टर्म किसको बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आगे किए हम लोग का चैप्टर का क्या नाम था, एक मिनट, हम लोग का चैप्टर का क्या नाम था, चैप्टर का नाम था पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स कब आ रहे हैं इसमें, पॉलिनोमियल्स किसको बोलेंगे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्वड हैव ओनली नॉन नेगेटिव पावर। तो देखिए ये जो वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल में 4x+2, इसका पावर में बस नेगेटिव वैल्यू नहीं रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर चलेगा, माइनस स्क्वायर में नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स, ये एग्जांपल लिख लीजिए इसको, मतलब माइनस जब लग जाता है किसी का भी पावर में, मान लीजिए यहाँ पे -2 लग गया है, ठीक है, तो इज इक्वल टू 1/(x^2) आ जाएगा। तो ये सब पॉलिनोमियल में नहीं है। पॉलिनोमियल में कौन सा है, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन डिग्री, चाहे कोई भी डिग्री का हो, स्क्वायर 2x+4, ये सब पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल है। ये एक्सप्रेशंस जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, बस माइनस पावर में ना, एकदम सिंपल वर्ड में हम लोग समझेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री हाईएस्ट पावर कोई भी एक्सप्रेशन है, 4x³+2x² + x+1 ऐसे टाइप से कुछ भी है, तो इसमें देखिएगा आप वेरिएबल का पावर कौन सा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है। तो इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। बहुत आसान है, इसमें बहुत जन को कन्फ्यूजन होता है, कोई डाउट नहीं है, आराम से क्लियर करना है। इसका एग्जाम्पल्स ये रहा 1 डिग्री का एग्जाम्पल, एक मिनट, ये रहा 1 डिग्री का एग्जाम्पल, ये रहा 2 डिग्री का एग्जाम्पल, ये रहा 3 डिग्री का एग्जाम्पल, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ निचोड़ बोल सकते हैं इसको, हम लिखे हैं इसको, देखिए एक इक्वेशन बनाया है, ठीक है। इक्वेशन में तो ये पूरा क्या है, एक इक्वेशन है, तो यहाँ से आप लोग को दिखता होगा, यहाँ से ऐसे किया हुआ है कवर, ये इक्वेशन बताया हुआ है, ठीक है। तो पूरा ये इक्वेशन है। अब देखिए इसमें मज़ेदार चीज़, ये जो यहाँ से इसे कवर किए हैं, इसका नाम क्या है, एक्सप्रेशन। इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, लीजिए और देखिए, इसको समझ में आएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से। ये हो गया एक कॉन्स्टेंट, क्योंकि 82 का और कोई दूसरा मान नहीं बता सकता। यहाँ से ये हो जाएगा वेरिएबल, इसका मान हमको नहीं पता है, ये वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा वेरिएबल का आगे लगा हुआ है, हम क्या बताए थे इसका नाम, कोएफिशिएंट। यहाँ पे हो गया ये एक टर्म है, ठीक है, वी एक्सेप्ट इट। और इसको अगर इस एक्सप्रेशन को हम लोग देखें तो इसका हाईएस्ट पावर आपको बताना है, हाईएस्ट पावर कितना होगा। तो इसका हाईएस्ट पावर 1 भी है 2 भी है, तो 2 हाईएस्ट है, तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा। इसको देख के एक ओवरव्यू ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल आप लोग समझ सकते हैं, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर पॉलिनोमियल। उससे पहले हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं, ये क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल, देखिए एग्जांपल ये सब है, जिसका डिग्री 1 है, एक्सेप्ट यहाँ पे डिग्री 1 है, ठीक है। अब इसका डिग्री 1 है, तो ये पॉलिनोमियल का हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, याद रखना है बस, लीनियर, लीनियर नाम से पता चल रहा है। अब जिसका डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे देखिए इसका डिग्री 2 है, एग्जांपल को ये एक ऐसा फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री 2 है, ये एक फॉर्म है इक्वेशन का, ठीक है ना, ऐसा फॉर्म है जहाँ पे ए बी और सी है, ए बी और सी रियल नंबर्स हैं, और ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, ये अगर जीरो हो गया तो ये वेरिएबल भी तो कट के हट जाएगा, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तक बचेगा तो वेरिएबल डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 सेम हो इसी टाइप का, जिसका पावर 3 हो, मतलब इस फॉर्म में हो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी क्यूब है, तो इस फॉर्म में रहे, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जहाँ पे एक मिनट, जहाँ पे ए बी सी और डी क्या है, रियल नंबर्स है, और ए जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग चैप्टर से। तो पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 ये रहा। 2.1 का पहला यही क्वेश्चन है, ये जो 6 है, 1 2 3 4 5 6, बोल क्या रहा है, फाइंड दी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल, और एक्स जो है वेरिएबल, क्लियर इतना, पी एक्स। अब देखिए ग्राफ तो हम लोग को बनाने आती है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, लिखा भी हुआ है, हम लोग को देखना है बस एक्स एक्सिस में कहाँ पर ये जो थर्ड लाइन है कट रहा है, बस सिंपली वर्ड में कहाँ पर ये लाइन कट रहा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस में कहीं नहीं कट रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं एक बार कट रहा है, इसमें 1 2 3 बार कट रहा है, यही है। इसमें गिनिए कितना बार कट रहा है, 1 और 1 2, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसमें कितना बार, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्स एक्सिस से यहाँ शुरू से चलते जाना है, शुरू से चलेंगे 1 बार 2 बार 3 4, यहाँ से भी देखते हैं 1 यहाँ पे टच कर रहा है, 2 यहाँ पे, 3। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ये हम 2.1 ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ, 2.1 का पहला आंसर, ठीक है, 2.1 का पहला आंसर। तो पहला हम लोग देखे थे कुछ क्वेश्चन इस तरह का था, ये था एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, अब कटा हुआ था थर्ड लाइन ऐसे टाइप से कुछ, ये था सेम। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस में नहीं कट रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस में नहीं कट रहा, तो द नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो एज द ग्राफ, क्योंकि डज नॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी नहीं कट रहा ये लाइन
एक्स एक्सिस में, तो आंसर इसका सिंपली जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है, जीरो है। वैसे सिमिलर सेम इसमें शायद सेकेंड क्वेश्चन था इस टाइप से, ये था शायद, आप देखिए बुक में, और ये यहाँ पे एक बार कट रहा है एक्स एक्सिस में एक बार कट रहा है, तो आंसर एक है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत सिंपल है, नहीं भी कीजिएगा, आप आराम से गिन के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पांचवा, ये छठा, छह ही क्वेश्चन था ना, तो छठा हम देख लेते हैं एक बार। छठा में देखिए ऐसे टाइप से ऐसे खींचा हुआ था, ऐसे था, और फिर कुछ इस तरह का था, ये थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए, ये टच, सॉरी ये यहाँ पे हल्का सा टच था, और फिर ऐसे जाके ये भी हल्का सा टच था, ठीक है, जैसे उसमें टच था, ये इस टाइप से था। तो एक्स एक्सिस में ये एक बार यहाँ पे कट कर रहे हैं, ये एक यहाँ पे कट कर रहा है, अगर पार कर जाता इस तरह से तब तो दो गिना था, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, तो ये यहाँ पे तीन, तो सिक्स का आंसर यहाँ पे थ्री दिया हुआ है। बस यही हल्का सा कन्फ्यूजन होता है, बहुत माइनर कन्फ्यूजन, तो इसको देख लीजिएगा, बहुत आसान है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 में जो उतने था, सिक्स क्वेश्चन था, और अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है ये, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। ठीक है, बुक है आपके पास, आप देख लीजिए, नहीं है तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक मिनट यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं हम इसका सॉल्यूशन में। तो पहला क्वेश्चन जो था, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आई होप सब क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट है। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस टू एट माइनस एक्स को एट को आप लोग शायद नाइन्थ क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, फैक्टराइज क्वाड्रेटिक, हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग करेंगे मिडिल टर्म को और ऐसा बनाएंगे, पहले दोनों कॉन्स्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, यहाँ पे एट आ रहा है। ठीक है, तो एट को हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, टू फोर टू टू। इसको करने के बाद हमको देखना है कि इसका सम मिडिल टर्म है और इसका प्रोडक्ट जो ये कॉन्स्टेंट टर्म और फर्स्ट टर्म था उसका मल्टीपल है। ठीक है, ऐसा अरेंज करना है। तो देखिए हम इसको आराम से लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फोर आर टू में लिख सकते हैं इसमें, टू टू या फोर आर टू में, ऐसे में हम तोड़े हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा देखते हैं, फोर आर टू याद रखिएगा, थोड़ा हम काट रहे हैं, फोर आर टू। तो एक्स स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर था, तो यहाँ पे फोर एक्स लिख सकते हैं हम लोग, और एक टू था, टू मिला था हमको, हाँ, तो यहाँ पे प्लस टू एक्स, ये वही बन रहा है ना, माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स हो जाएगा टोटली, और आखिरी में माइनस एट एक कॉन्स्टेंट था। इसको इसमें अब यहाँ पे एक्स कॉमन आ रहा, ठीक है, इसको आप लोग नाइन्थ क्लास में भी देखे होंगे, एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स माइनस फोर लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे टू भी कॉमन आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है, तो इससे एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है, इससे टू कॉमन ले रहा है माइनस फोर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ कि ये और ये इक्वल हो गया, यही करना था, अगर दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, यानी कि जो हम माने थे फोर और टू फैक्टर करके, ठीक है ना, वो जो चैन में फैक्टर कर रहे थे, उसको जो हम माने थे फोर और टू वो सही है, और ये जो हम निकाले हैं ये सही है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लोग को मिला एक एक्स प्लस टू इससे, ठीक है, और इस दोनों से एक ले लेना है, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, एक्स माइनस फोर, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस फोर। ठीक है, एक्स प्लस टू एक्स माइनस फोर, ये थोड़ा काट है, ठीक है, क्या मिला था हमको, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस फोर, ये दोनों मिला था। अब एक्स प्लस टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, तो एक्स इज इक्वल टू फोर आ जाएगा, और यहाँ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा। ये दो नंबर हमको जो मिला है ये बहुत खास है, खास इसलिए है कि जब हम इस इक्वेशन में ये दोनों दोनों में से कोई एक भी बैठाएंगे
तो इसका मान जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर फोर द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन इज फोर एंड -2, ठीक है। अब बात बताया कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या है, ये जो था 4 और ऐड करेंगे क्या था दूसरा नंबर -2, आया कितना 2। ऐसे निकाले हम, इसको डायरेक्टली ऐसे भी निकला सकते थे, माइनस आगे में लगाते हैं अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है तो 2 है, लेकिन 2 का आगे में माइनस लगा हुआ है, अपॉन यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, सही बोले 1 है, ठीक है। तो ये कितना बन के आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 अपॉन 1, तो 1 तो लिखा था नहीं है बट्टा में, तो ये 2 आ गया। तो सम ऑफ जीरोस 2, ऐसे ही बनाना है आप लोग को। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक नंबर था 4, दूसरा नंबर था -2, और हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ जीरो पहले भी माइनस साइड आया था जिसको हम लोग प्राइम किए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइड, इसको निकलाएंगे। और एक तरीके से माइनस साइड आया ना डायरेक्ट हम लोग दोनों नंबर को देखे, तो अब देखिए कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म कितना है 8 है, वो भी माइनस में, अब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है, इज इक्वल टू ऑल्सो 8 माइनस 8, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस निकला देना, यही चाहिए था हम लोग को, बहुत आराम से। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, समझ में आया, इसको एक बार और बता दें कि ये हो गया इक्वेशन, इक्वेशन का हम लोग को इस फॉर्म में चेंज करना है, जो कि सिर्फ हमको देखना है कि किससे कैसे इस फॉर्म में बदलेगा, बदलेंगे, ठीक है, जो कि हम बता चुके हैं कैसे होगा। और दो हमको टर्म मिलेगा इसमें से, एक्स का मान हम लोग को दो चीज़ दो मिला, एक -4 -2 और एक 4, तो -2 और 4, अगर एक्स का मान हम -2 रखें या एक्स का मान हम 4 रखें, चलिए एक बार रख के देखते हैं, एक बार रख के देखते हैं, एक्स स्क्वायर है तो अगर हम इसमें -2 रख दें, ठीक है ना, 4 आप रख लीजिएगा बहुत आसान है, -2 माइनस यहाँ पे 2, फिर एक्स की जगह में -2 रखेंगे, अभी कितना है -8, ओके। अब थोड़ा सा हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का मतलब ये तो प्लस में बदल गया, माइनस माइनस ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जे 4, ठीक है, एकदम डीपली बता रहे हैं ताकि आप लोग को कोई डाउट ना आए, कम से कम डाउट हो। ये माइनस साइड है तो +4 +4 8 -8 इज इक्वल टू 0, यानी कि हम सही थे, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर, दूसरा क्वेश्चन क्या था, 4s² -4s+1, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, 4s² -4s+1 वैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, 4s² माइनस, अब तो आप लोग समझिए क्योंकि 4s+1, ठीक है, ऐसे ही था, तो इसमें से ये दोनों को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, आया कितना 4 आया, 4 को चलिए हम लोग काटते हैं 2 2, तो 2 2 से काम चल जाएगा, 2 2 जब 2 प्लस 2 4 होता है, चलिए ठीक है। तो इतना समझ में आया, 2 और 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 4s² 1 मिनट, 4s² 2 था तो -2s हम लोग लिख सकते हैं, और फिर -2s, तो माइनस 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 प्लस और -4s आ जाएगा +1, ये ऐसे, हाँ ये, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारा 2s, 2s कॉमन ले रहे हैं तो s-1 आ जा रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है मेरा -1, -1 जब कॉमन ले रहे हैं तो 2s-1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 2 लिखने भूल गया, तो 2s-1, 2s-1, और ये जो बाहर वाला आ रहा है ये भी 2s-1 है, देख लीजिएगा 2s-1, 2s-1 मेरा सेटिस्फाइड है, ठीक है, ये जो बाहर है वो भी 2s-1 है, यानी कि इसलिए यहाँ पर, एक मिनट, इसलिए यहाँ पर हम 2s-1 का होल स्क्वायर लिखे थे, तो 2s-1 इज इक्वल टू 0, देखते हैं इसका मान कितना आता है, s इज इक्वल टू 1, ये -1 इधर चल जाएगा 1 में आ जाएगा, ये क्योंकि मल्टीप्लाई में तो बटन में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक s का मान आया, दूसरा s का मान क्या होगा, दूसरा s का भी मान 1/2 होगा, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत, ठीक है। तो दोनों का सम ऑफ, सम करेंगे तो जब ऐड करेंगे दोनों को, तो आइए देखते हैं, जब ऐड करेंगे 1/2 + 1/2 तो हाफ हाफ इज इक्वल टू 1 तो हो गया, ठीक है। और एक तरीका कोएफिशिएंट ऑफ s²
बट कोफिशियंट ऑफ, अच्छा सॉरी, कोफिशियंट ऑफ एस बट कोफिशियंट ऑफ एस स्क्वायर आगे में माइनस, तो आगे में माइनस लगा देते हैं। कोफिशियंट ऑफ एस का कितना है, माइनस फोर, और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर फोर, तो ये कटा, ये कटा माइनस मतलब वन आ गया। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी वन बाई टू जो हम लाए थे, और फिर एक बार वन बाई टू ही आया था, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं वन बाई फोर, और अगर बाई फॉर्मूला चले तो कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म कितना है वन है, बट कोफिशियंट ऑफ एस स्क्वायर इज फोर, तो दोनों हर हिसाब से सेटिस्फाइड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को दिक्कत लगेगा तो सिर्फ इसको इसमें चेंज करने में थोड़ा सा दिक्कत लगता होगा, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का सोचिएगा होगा तो ये तो मुमकिन नहीं है। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, मैथ है थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन है ये, सिक्स एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स, ठीक है ये क्वेश्चन था परफेक्ट, इसको हम ऐसे चेंज कर दिए, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी वही करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और करने के बाद ये आ जा रहा है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर, यही आएगा। और देन द वैल्यू ऑफ दिस, ये एक्स का मान ये आया, ये आया, सेम वही चीज़ बार बार बताएंगे तो आप ही बोलिएगा कि सर हम लोग समझ गए, बार बार मत बताइए। देयरफॉर द जीरोज ऑफ दिस आर दिस टू नंबर्स, आगे देखते हैं, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा, कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। माइनस, अगर हमको सम ऑफ जीरोज चाहिए तो माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, हम लोग बताए कोफिशियंट किसको बोलते हैं, बटे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए तो कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो वेरिएबल है एस रहे कुछ रहे, ठीक है। तो आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन भी वही बोल रहा है, कोई दूसरा, ये तो और आसान है, ठीक है ना, फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू है ना, हाँ यही है, तो आराम से तो फोर यू कॉमन आ जा रहा है, अब फोर प्लस टू यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका भी एक फोर यू से आ रहा है, एक फोर प्लस फोर यू, और एक टू प्लस यू से आ रहा है, इज इक्वल टू जीरो, एक यू इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, एक यू इज इक्वल टू माइनस टू आ रहा है, और इसके आगे तो आप लोग हैबिट बना लिए। फिफ्थ क्वेश्चन इज, बुक में देखिए, बुक में देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन इज टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन, टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन, तो इसमें कुछ नहीं, एक वेरिएबल डाल दिया इसमें, कोई दिक्कत, टी स्क्वायर माइनस टी, चूँकि ये फॉर्म में रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, वन मिनट, वन मिनट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें फॉर्म इसको हम ऐड किए हैं, और ये जो कोएफिशिएंट है इसको हम जीरो माने, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ठीक है फोकस रखिएगा। और उसके बाद टी माइनस रूट फिफ्टीन, और टी प्लस रूट फिफ्टीन में इसको तोड़ दिया है, सेम वैसे जैसे करते आए हैं, और आगे तो आप लोग को ये सब पता ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, कोई भी ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने से ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन आप लोग को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या हुआ, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, ठीक है स्क्रीनशॉट आपको करते जाइएगा, ठीक है ना, वीडियो का इतना बताना ना पड़े, आप लोग स्क्रीनशॉट खुद से कर दीजिएगा, ओके। और ये है इसका सॉल्यूशन, हम बता चुके हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर टू, तो एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन जो है, पहला हम लोग सॉल्व किए हैं, उसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा अच्छे से। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन ये है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स, यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, वन बाई फोर माइनस वन, ये ठीक है। हम लोग एक चीज़ देखे थे पिछला क्वेश्चन सॉल्व करने समय, कि इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, ठीक है, तो सम निकालने के लिए माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, सॉरी पिछले बार इसमें गलती हुआ था, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते थे ना, ठीक है ये है, ठीक है माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और जब प्रोडक्ट निकलाना था इसका, जब प्रोडक्ट निकलाना था, यहाँ पे लिखने पर दिक्कत है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जब प्रोडक्ट निकलाना था, तो
प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, लिखते थे माइनस, ये कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म जो रहता था, सॉरी कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे सी है, और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही रहता था, एम आई राइट? देन आई एम गोइंग टू सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। ये चीज़ याद रखना है बस, ठीक है ना। सम के लिए कोफिशियंट माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बटा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप प्रोडक्ट के लिए कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसका सॉल्यूशन, अगर नहीं समझे तो आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन में समझते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो सम है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, लेट द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्म था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, एंड इट्स जीरोज इज, लेट हम लोग मान लेते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है 1/4, ठीक है। अब ये यही फॉर्मूला था, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशियंट कौन सा है, ये बी है, ठीक है, और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, क्लियर। तो ये इससे भी हम लोग निकलाते थे, अब देखो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है माइनस वन, ठीक है, और अगर हम लोग कोफिशियंट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म सी और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, इससे निकल जाएगा, तो कॉन्स्टेंट टर्म इज -4, ठीक है। क्या ये देखिए यहाँ पे बी का मान आ गया, एक मिनट, बी का मान आ गया था, बी का मान कितना आया, 1 आया, बी माइनस बी का मान 1 आया, तो बी का मान -1 आएगा, और ए का मान यहाँ पे 4, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से बी का मान -1, ए का मान 4, और यहाँ पे देखिए तो जब ए का मान यहाँ पे 4 लगा हुआ है तो हमको यहाँ पे कितना चाहिए, -1 चाहिए, तो यहाँ पे -4, ठीक है, -1 आ जाएगा। अब देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कैसा बन जाएगा, अब ए बी सी हमको मिल गया, ठीक है, ए का मान कितना है, ए का मान है 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर, बी बी का मान है -1 एक्स, ठीक है, 1 नहीं भी लिख सकते हैं, और सी का मान कितना है, -4। तो ये हो गया इसका कि हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बना सकते हैं अगर सम और प्रोडक्ट 1/4 और -1 दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, दूसरा क्वेश्चन था √2 और 1/3, ठीक है, सम और प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म लिखने के बाद अल्फा प्लस बीटा का मान √2 आया, ठीक है, यानी कि बी का मान हम लोग को पता चल गया, बी का मान, और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 आया, एक मिनट, 1/3 आया। अब यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे कि ए बी आर सी का मान तीनों का पता चल जाए, ए का मान यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ए का मान कितना आया है, 3 आया, ठीक है, तो यहाँ -b/a, ए का मान यहाँ 3 है, तो यहाँ पर भी 3 पुट किए हैं, ठीक है, और 3 पुट किए हैं, तो हमको इसको √2 बनाने के लिए यहाँ पे भी 3 पुट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 3 3 कट के तो 2 ही हो जा रहा है, ए का मान आ गया मेरा इसमें से a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -3√2, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और c इज इक्वल टू 1 आ गया। तो जब यहाँ पे आ गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसको, आ गया, तो अब हम लोग इसको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्म में लिख सकते हैं। a का मान कितना था, ये देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, a का मान 3x² -3√2x+1, ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड में लिखा नहीं रहा इसीलिए। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है 0√5, 0√5 भी वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेंगे पहले, अल्फा और बीटा दो नंबर मान लेंगे हम लोग, जीरोज मान लेंगे, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दिया हुआ है 0, तो हम लोग को 0 ही लिखना होगा, अल्फा इंटू बीटा √5, ठीक है। अब 0 है तो -b/a का मान 0 है, तो बट्टा में क्या देंगे, a का मान 1 ही देना पड़ेगा, 1 दे दिए, ठीक है, यहाँ पे भी √5 है, √5c/a, तो सी का मान √5 तो पता चल गया, अब ई का मान भी 0 पता चल गया, तो ए का मान 1, ठीक है, ऐसे करके देखना है, अब पॉलिनोमियल जो है इस तरह से बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्क्वायर है, डिग्री 2 डिग्री वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, मतलब जिसका 2 डिग्री होता है उसको बोलते हैं, हम लोग पहले कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन 1 और 1 है,
ठीक है, इसको भी आसानी से सोल्व कीजिएगा आराम से, और देखिएगा आसानी से सॉल्यूशन आएगा, 1111 सब में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन, 1-1, क्योंकि b माइनस में था तो b का मान माइनस वन, इसको गौर कीजिएगा, ठीक है ना। देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज -1/4 और 1/4, देन दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये शुरू में ही दिक्कत होता है, आराम से बस एक बार सॉल्यूशन करने समझ गए हैं तो फिर उसके बाद सॉल्यूशन करना कोई हार्ड नहीं होगा, बस प्रैक्टिस करना है, मैथ है। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए बी और सी का मान निकालना है, ठीक है। ये रहा सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन इज 4-1, लेट द पॉलीनोमियल बी दिस, इट इज़ द जीरोज अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा 4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब बी का मान तो -4 होगा, ये क्लियर है, ठीक है। अब बाय में 1 दे देते हैं, इसमें भी 1 दे दिए, तो ए का मान 1 भी क्लियर है और सी का मान भी 1 क्लियर है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, डिवाइड द पॉलीनोमियल पी एक्स बाय द पॉलीनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वोटेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, कि ए जो रहता था वो डिविडेंट, ठीक है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर रहता था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि डिवाइड द पॉलीनोमियल पी एक्स, इसको डिवाइड करना है बाय द पॉलीनोमियल जी एक्स, और क्वोटेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है, यानी कि क्यू प्लस आर ये दोनों को फाइंड करना है। यहाँ पे पी एक्स ये दिया हुआ है, ठीक है, पी एक्स ए, ए यहाँ पे पी एक्स का काम कर रहा है और जी एक्स का काम बी कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही सिंपली हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड इसको करने का तरीका हम बताते हैं अभी, आराम से समझिएगा। चलिए क्वेश्चन के आंसर पे देखते हैं। तो 2.3 का पहला क्वेश्चन, जो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x-3 और क्यू एक्स इज इक्वल टू x² - 2 दिया हुआ है, इसको हम लोग सिंपली डिवाइड करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइज़र आ गया जिससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिविडेंट अंदर में आ गया जो डिवाइड होगा। तो इसको डिवाइड करने में एक चीज़ में फोकस रखना है हम लोग को, जैसे कि यहाँ पे x² - 2 है, x² - 2 है और यहाँ पे x³ - 3x² + 5x-3 है, ठीक है। तो x² - 2 जो बाहर में है, यहाँ पे सुनिएगा गौर से, x² - 2 में को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आ जाएगा। तो सिंपली से बात है कि x से करेंगे, क्योंकि x² * x मेक्स x³, ठीक है। तो इसी पे फोकस करना है कि इस साइड वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो फर्स्ट टर्म का इक्वल आए, ताकि हम फर्स्ट टर्म को काट सकें, ठीक है। तो x से करेंगे, तो पहले हम लोग x से करके देखते हैं। x से किए तो यहाँ पे x³ आया, ठीक है, और फिर x से -2 भी यहाँ पे है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए x² - 2 है, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, x³ बन जाएगा सिंगल सिंगल में, और फिर इससे जाएगा -2x बन जाएगा, ठीक है। तो x³ को ये जो डिविडेंट है यहाँ पे, डिविडेंट का नीचे जहाँ पे डिविडेंट में जहाँ पे x³ है उसी के नीचे इस x³ को लिखना है ताकि कटे, ठीक है। अब -2x, x का पावर यहाँ 1 है, तो इसमें x का पावर 1 जिसमें है, जैसे 5x है, तो उसी के नीचे लिखना है, ठीक है, ताकि हम लोग उससे आराम से हिसाब कर सकें, ठीक है। तो सिंपली हम लोग बैठा दिए x से डिवाइड करके, यहाँ पे x³, यहाँ पे माइनस क्यों लगा, क्योंकि डिवाइड में तो माइनस ना क्या कहते हैं इसके बाद, तो ये दोनों कट गया, प्लस माइनस कट गया, ठीक है। यहाँ पे सिंपली -3x² फोकस रखिएगा, -3x² सिंपली उतर गया -3x² में। फिर यहाँ पे देखिए
यहाँ पे था 5x, ऊपर में यहाँ पे 5x है, और नीचे में था माइनस 2x। तो माइनस करते हैं किससे, माइनस 2x से, ठीक है। तो यहाँ पे बन क्या गया 5x माइनस माइनस प्लस 2x, यानी कि बन गया 5 और 2 7x। इसलिए यहाँ पे 7x लिखा हुआ है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, इसी में कन्फ्यूज होता है ज़्यादा जन। और -3 कॉन्स्टेंट सिंपल उतर गया, इतना काम बना। अब फिर से देखते हैं तो ये हमको मिला अभी -3x² + 7x - 3। अब फिर से हम इसी से डिवाइड करेंगे। अब एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर -3x² बन जाए, तो -3 से, सही बोले आप, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किए -3, तब तो -3x² बन गया, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि ए हम एक्स स्क्वायर -2 को किसे मल्टीप्लाई किए थे, -3 से, तो ये पूरा क्या बन रहा है, पूरा बन रहा है -3x² - -3 + 3 2 6, ये बन रहा है। तो -3x² वहीं पे बैठाएंगे जहाँ पे वो इसका पावर में स्क्वायर है, ठीक है। तो सिंपल उसी में बैठा दिए, ठीक है, ताकि आराम से हम इसका काट सकें। और +6 वही कांस्टेंट में बैठा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे +6 बैठा दिए। अब इसको -3x² और यहाँ पे +3x², क्योंकि माइनस माइनस होता है, ठीक है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे देखिए -3x² है ऊपर में, और हमको माइनस करना है किससे, -3x² से, इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो -3x², और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस बना देता है 3x², तो माइनस प्लस कट गया, ठीक है। और यहाँ पे ये कटने के बाद हमको 7x सिंपल उतर गया। और यहाँ पे देखिए -3 है कॉन्स्टेंट में, और माइनस करना है किससे, +6 से, क्लियर, माइनस करना है +6 से। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, -3 - 6 बन रहा है, यानी -9 बन रहा है -3, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है। हम एकदम डिटेल बता दे रहे हैं, शुरू क्वेश्चन है -3 - 6 मतलब -(-+-9), ठीक है। यहाँ पे सिंपली रिमाइंडर हमको 7x - 9 मिल गया, और यहाँ पे हम लोग को क्वोटेंट x - 3 मिल गया। इससे आगे और क्यों नहीं जा सकता है, एक क्वेश्चन होगा कि सर आर इससे आगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म है, स्टार्टिंग एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तक ही जा गए, फिर ये तो इसका पावर कम हो जा रहा है, तो इतना में जाके स्टॉप हो गया मेरा काम, ठीक है। और ये हमको क्वोटेंट और रिमाइंडर जो हमको क्वेश्चन मांग रहा था वो मिल गया। इस तरह का एक्सरसाइज 2.3 में 3 क्वेश्चन है, ये था पहला, दूसरा हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिंपली सेम वही है, बस समझना है करना है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आराम से हो जाएगा। पी एक्स क्या दिया हुआ है हमको, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, जो एक्स वेरिएबल एक्स का पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका जीरो जो है 4 निकल जाएगा। खैर x^4, तो x^4 -3x² + 4x + 5, ये है पी एक्स। क्यू एक्स क्या है, देखिए क्यू एक्स क्या था, क्यू एक्स, अच्छा रुकिए, यहाँ पे क्यू एक्स है x² + 1 - x, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं कि ये देखिए x^4 के बाद डायरेक्ट x^2 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल x जो है x³, ये हम लगा दिए जीरो लगा के, ऐसा क्या कि आसान होगा सॉल्व करने में, थोड़ा मतलब एक कंडीशन बनेगा, ठीक है। और -3x² + 4x + 5, ये सेम लग गया। और यहाँ पे देखिए x² के बाद -x को पहले देते लाएँ, तो ये अरेंज भी करने समझना है हम लोग को, ठीक है, कि अरेंज भी करेंगे। अगर कहीं पे एक पावर कम है तो जीरो लगा के कर सकते हैं, ताकि ये तो फिर जीरो ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग सिंपली जो हम लोग पिछले बार डिवाइड किए थे सेम वैसे डिवाइड करेंगे। एक बार गौर से देखिएगा, x² - x + 1 को से इसको कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, एक्स टू द पावर फोर है, क्या है, एक्स टू द पावर फोर है, और यहाँ पे हम लोग को एक्स टू द पावर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग एक्स टू द पावर स्क्वायर को एक्स टू द पावर फोर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। हम लोग एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा स्क्रीन में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, इसको हम लोगों को इस टर्म को एक्स टू द पावर फोर में बदलने का फोकस करना है। तो हम लोग एक्स स्क्वायर से इसको करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बन के आ रहा है, एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स टू द पावर क्यूब प्लस एक्स टू द पावर स्क्वायर, ये टर्म मेरा बन के आया, क्लियर है, एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स टू द पावर क्यूब प्लस एक्स टू द पावर स्क्वायर। इसको सिंपली जहाँ जहाँ है, जहाँ से उसका फेस मैच कर रहा है उसमें बैठा बैठा दिए, एक्स टू द पावर फोर यहाँ बैठा दिए, माइनस ये जो जीरो लगा के बनाए थे इस टर्म को यहाँ बैठा दिए, और फिर यहाँ पे बैठा दिए। होता क्या है, होता है माइनस होता है, ठीक है। तो एक्स टू द पावर फोर से माइनस हो गया, एक्स टू द पावर फोर तो कट गया, ठीक है, और सिंपली माइनस थ्री एक्स स्क्वायर जो है उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म लगा दिए, उसको भी माइनस किए, जो सॉल्यूशन आया यहाँ पे देखिएगा और से कि जीरो एक्स क्यूब है और यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब है, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ में आएगा, हमको माइनस करना है और माइनस है उसमें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, जैसे देख लीजिए, अरे वो बताते माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और हमको माइनस करना है किससे, प्लस एक्स स्क्वायर से, क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, ठीक है, लेकिन ये तब इस तरफ ज़्यादा है, थ्री है तो माइनस लगेगा, प्लस करना है लेकिन माइनस लगेगा, समझ में आया, ये सब आप लोग को पता ही होगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर ये सब समझ में ना आ रहा है तो मेरा कॉन्सेप्चुअल जो छोटा छोटा वीडियो होता है उसको भी फोकस लगा के देखना है, ठीक है, समझ में वैसे आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए माइनस फोर एक्स स्क्वायर हुआ यहाँ पे, और जो ये टर्म था सिमिलर उतरा दिए, ठीक है। अब फिर से हम सोचेंगे इस पे आके कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि फर्स्ट जो टर्म है एक्स क्यूब ये आ जाए, और ताकि हम इसको काट के हटा दें, ठीक है। तो एक्स से करेंगे सिंपली, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, एक से किए तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई कर आ गया, ठीक ना, एक से नहीं किए सॉरी माइनस एक्स से किए हैं, ठीक है, एक मिनट, सॉरी प्लस एक्स से ही किए हैं, है ना, यहाँ पे कट गया था, तो यहाँ पे ये आ गया, ये क्लियर है एकदम, ठीक है। तो एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कट गया है, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर है और प्लस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और प्लस फोर एक्स माइनस एक्स यानी थ्री एक्स प्लस फाइव। देखिए एक चीज़ ये आप लोग को पता ही होगा, एकदम सिंपल सा नहीं बताना चाहिए, लेकिन भी प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब कंफ्यूज ना हो इसलिए, माइनस माइनस क्या होता है, ये भी प्लस होता है, ये जो इक्वल इक्वल रहता है सब प्लस बनाता है, ठीक है, और क्या होता था बताइए, माइनस प्लस जो होता था या प्लस माइनस होता था, ये तो हमेशा माइनस बनाता था, ठीक है। तो इसको याद रखना है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो इससे इसी इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत हो जाता है सॉल्व करने में, तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग को क्या मिल गया, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर थ्री एक्स प्लस फाइव। अब इसमें हमको देखना है, हमको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो हमको माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस थ्री से किए, ठीक है, तो ये समझना है बस। और माइनस थ्री से किए हैं, यहाँ पे कर दिए मल्टीप्लाई, और सिंपली जो आया यहाँ पे बैठा दिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप आराम से देख सकते हैं, देखिए ये सब में ही कन्फ्यूजन होता है, देखिए माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव है ऊपर में ये वाला, नीचे मेरा क्या आया, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो माइनस है तो ये सिंपली प्लस में बदल जाएगा, कैसे, ताकि हमको माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, तो यहाँ पे माइनस प्लस कट जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये भी कट जाएगा, और यहाँ पे प्लस फाइव और प्लस थ्री क्या हो जाएगा, प्लस साइड हो जाएगा,
क्लियर है, ये रिमाइंडर हमको मिल गया प्लस 8, और क्वाड्रेंट हमको मिल गया ये। तो सिंपली जो हमको चाहिए था मिल चुका है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स टू दी पावर 4। इसको हम बार बार अच्छा से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डाउट इसी में होता है, और ये डाउट क्लियर हो गया आप लोग को बहुत आसान लगेगा, ये बहुत आसान है, ठीक है। सिंपली डिवाइड करने समझना है इसमें। एक्स टू दी पावर 4 है माइनस 5x, यहाँ पे देखिए माइनस 5x प्लस 6 है, यही है ना, हाँ यही है, इज इक्वल टू हम लोग एक्स टू दी पावर 4 प्लस 0x स्क्वायर लगा दिए, माइनस 5x प्लस 6 लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे 2 आगे में है, 2 को पीछे में कर दिए, माइनस एक्स स्क्वायर को आगे में कर दिए, 2 प्लस में था प्लस में लिख दिए, ठीक है इतना। अब हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 0x स्क्वायर लगाने का फ़ायदा यहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हम टर्म जब बनाएंगे तो एक्स टू दी पावर 4 लाने के बाद एक्स स्क्वायर एक आएगा, इमेजिन कर लेना है, फिर बनाना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब एक्स टू दी पावर 2x स्क्वायर आएगा तो इसको किससे डील करेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, आगे ये फिर से करेंगे माइनस 2 से, माइनस 2 से करने के बाद यहाँ पे फिर आ गया, जो जहाँ पे है उसको वहाँ पे रहने दीजिए, वहाँ पे बैठेगी, कॉन्स्टेंट टर्म को कॉन्स्टेंट में बैठा दीजिए, इसका नीचे बैठा दीजिएगा तो एक्स ऊपर में वेरिएबल है, नीचे में वेरिएबल नहीं रहेगा तो सोल्व नहीं होगा, गलती हो जाएगा मेरा आंसर। ये आ गया रिमाइंडर, ये आ गया क्वाड्रेंट। तो हम लोग का 2.3 का पहला क्वेश्चन का पहला, दूसरा, तीसरा सोल्व्ड होता है। इसको एक दो बार आपको मस्ट है प्रैक्टिस करना, मस्ट है, ठीक है। ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर मिलेगा सॉल्यूशन, ठीक है। और समझ में क्यों नहीं आएगा, काफ़ी आसान है, ठीक है। मेरा ये क्या बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियो सब देखिएगा, और अच्छे से उसमें हम और अच्छे से बता देंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को, देखते हैं क्या। तो हमारा क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 2.3 का ये है, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, आई होप, और ये हो गया सेकेंड, डिवाइड करना है सिंपली। चलिए देखते हैं, देखिए तीन क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है, तीनों को हम सॉल्व करते हैं और खुद से भी प्रैक्टिस करते हैं सॉल्व करने का। चलिए आइए देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का, ये रहा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। टी इस बार वेरिएबल जो है टी है, क्या है टी है, कन्फ्यूज नहीं होना है, वेरिएबल टी है, वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं, एक्स है, वाई है, टी है, पी है, कुछ भी। खैर टी स्क्वायर माइनस 3 क्या हो गया मेरा, डिवाइजर हो गया, सही चीज़। और 2t to the power 4 प्लस 3t to the power cube माइनस 2t square माइनस 90 माइनस 12। हम क्वेश्चन इसलिए रिपीट कर दे रहे अच्छे से ताकि आप लोग लिख भी लीजिए, अगर बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमको हमारा डिविडेंट। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको डिवाइजर को हम लोग टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 3 का फॉर्म में लिखें। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस फॉर्म को भी लिखने आराम से सकिएगा, कैसे हुआ सर, क्यों हुआ, नहीं प्रैक्टिस कीजिए, जरूरी है, ठीक है। खुद का अंदर से पूछिए कि प्रैक्टिस नहीं करने से नहीं होगा, फिर यूट्यूब में जहाँ तहाँ कुछ भी खोजते रहिएगा नहीं मिलने वाला है, प्रैक्टिस इज मस्ट, एग्ज़ाम लिखने आपको जाना है, ठीक है। और ये हो गया डिवाइजर, ठीक है, जो था। अब हम लोग सिंपली डिवाइड करेंगे, हमको टी टू दी पावर 4 चाहिए, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा यहाँ पे 2 भी लगा हुआ है, 2t to the power 4 चाहिए, इसमें क्या करेंगे, 2t square से मल्टीप्लाई करेंगे तो ना बनेगा, तो यहाँ पे 2t square लगा दिए। अब जब हम लोग 2t square से मल्टीप्लाई किए तो सही में हम लोग देख रहे हैं 2t to the power 4 बन रहा, लेकिन ये सब भी बदल रहा है, ठीक है, ये सभी बदल रहा है, क्या बदल के आ रहा है। अब 0 है तो 2 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, टी क्यूब बन गया, माइनस
ये क्या बोलते हैं 2t² अगर उसमें लगा देंगे 3 में तो -6t² बन जाएगा। और सेम उसके नीचे लगा देना है जो जिसमें मैच कर रहा है। क्लियर इतना? अब देखते हैं, ये तो हमको मिल गया, इसको हम पहले भी लाने सीखे थे, ये दोनों कट जा रहा है प्लस माइनस, इससे ये मिल जा रहा। यहाँ पे प्लस माइनस देखिए -2t² और -6t² है, यहाँ पे -2t² और माइनस करना है किसको, -6t² को, ठीक है। तो यहाँ पे -2t² माइनस माइनस +6t² आ जा रहा है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे हम प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि बड़ा डिजिट का आगे प्लस लगा हुआ है, तो 4t². क्लियर है इतना? आई होप क्लियर होगा। फिर जब ये आने के बाद हम इसमें देख रहे हैं आगे में 3t³ है, 3t³ फिर हमको इसको बनाना है, क्या करेंगे, +3t से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लगा दिए +3t, ये आ गया। इसके बाद फिर हम देख रहे हैं 4t² है, 4t² इसको बनाना है, +4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे +4 लगा दिए, ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे इसका और इसका एक इक्वल दिख रहा है, कट गया पूरा का पूरा, रिमाइंडर हमको 0 मिल गया, क्वाड्रेंट हमको ये मिल गया, सॉल्यूशन हमको पूरा मिल गया। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया? इसको स्क्रीनशॉट तो आप लोग करते ही होंगे, नोट कर लीजिए और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर एक सप्ताह बाद एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए बिना देख के, आपको सब दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ये, देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन को भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ही सॉल्व हुआ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अच्छे से स्क्रीनशॉट करके आप लोग जो हम बताएं पिछला बार टर्म कंडीशन, वही टर्म कंडीशन इसमें भी लगा है, ठीक है। आई होप आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। सोल्व ना हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिमाइंडर इज 0, ठीक है ना, हैंस इतना और इतना का क्वाड्रेंट ये मिल गया हमको, ओके। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर इज 0, हैंस ये जो है, ये जो था क्या था, डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ इतना, ठीक है ना, मतलब रिमाइंडर 0 मिल जा रहा। क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था फर्स्ट पॉलीनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलीनोमियल, चेक करना है, तो हम लोग चेक करके बता दिए, ठीक है। हम लोग को बस सिंपली डिवाइड करने आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो रिमाइंडर और क्या बोलते क्वोटेंट बताना जो पहले में देखे थे बता दिए थे, अब 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं सिंपली थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में देखिए जब हम लोग सोल्व किए सेम वैसी, बल्कि ये तो हमको ज़्यादा आसान लग रहा देख के, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड टर्म में पूरा कंप्लीट हो गया और टू बच रहा है, टू बच रहा है, ठीक है। आप लोग भी देखिएगा टू बच रहा है कि नहीं, कहीं हम गलत है कि क्या। तो सिंस द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, यही चीज़ का हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी, हैंस ये जो जो भी डिवाइजर है x³ -3x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ डिविडेंट, इज x⁻⁵-4x³+x²+3x+1। समझ में आया ना? ये देखिए ये x³ है, हमको चाहिए x⁵, तो x³ में हम लोग x² मल्टीप्लाई करेंगे तब तो x⁵ आएगा, क्लियर है। तो ऐसी x³ -3x, एक बार बता दे रहे ताकि आप लोगों को उतना डाउट ना लगे, डाउट क्या, कोई डाउट ही नहीं है, सब क्लियर है। लेकिन भी जिसको समझ में नहीं आया फिर से देख लीजिए, x³ -3x+1 और x² से करेंगे, x² से क्यों किए, यहाँ पे x⁵ है, क्लियर है। x⁵-3x³+x² ये आ गया, हमको ये मिल रहा है। तो इसको बैठाने का तरीका जहाँ पे जो है x⁵ यहाँ पर से आ गया, x³ का नीचे ही x³ को बैठाएंगे, बैठा दिए, फिर वैसे यहाँ पे बैठा दिए -4x³ और -3x³, ठीक है, -4x³
और माइनस करना है माइनस थ्री एक्स क्यूब को, तो माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स क्यूब बन गया, तो माइनस प्लस माइनस होता है। अब यहाँ माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि बड़ा ये है, क्लियर है, और एक्स क्यूब बच जाएगा, इतना तो क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये रहा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दिखता होगा, आई होप आप लोग को, अब स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो जीरोज, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, टू जीरोज इज दिस एंड दिस। मतलब एक्स का मान एक बार ये रखे थे, एक्स का मान ये रखे थे एक बार, तो हमको जीरो प्राप्त हुआ था, मिला था। अब और अदर जीरो, चूँकि एक्स टू द पावर फोर है, तो हमको लगता है और टू जीरोज इसका मिलने वाला है, तो और अदर टू जीरोज हम लोग इसका फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, दो जीरो दिया हुआ है, और दो जीरो फाइंड कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग को टू जीरोज यानी कि एक जीरो एक्स का मान एक क्या दिया हुआ था, रूट फाइव बाई थ्री, और एक एक्स का मान दिया हुआ था माइनस रूट फाइव बाई थ्री। ये दोनों को क्या किए हैं, सिंपली समझिएगा, ये एक्स इज इक्वल टू है रूट फाइव बाई थ्री, पूरा का पूरा ये टर्म को हम इस साइड लेके आएंगे, एक्स माइनस रूट फाइव बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो हो जा रहा। ठीक है, ऐसी इसमें भी किए। ठीक है, ये दोनों a माइनस बी ए प्लस बी का टर्म में दिख रहा है, जिसका फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में इसको काट दिया, बना दिया। ठीक है, अब अंडर रूट कोई भी रूट रहता है, जैसे रूट फाइव का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव टू द पावर रूट क्या होता है, वन बाई टू होता है, और स्क्वायर ऊपर में तो मल्टीपल टू है, तो ये दोनों कट गया, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, सिंपली फाइव आ गया। तो वही बाई थ्री में भी वही रूट था, तो वही थ्री आ गया। क्लियर है, ये दोनों एक ही साथ हो गया, हम ऐसे ही बता रहे थे आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री को हम डिवाइज़र मान लिए, और जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ये था, इसको हम लोग सिंपली डिविडेंड माने। अब हम लोग डिवाइड करके, ठीक है ना, दो जीरोज निकलाएंगे। ठीक है, डिवाइड करके जो इस तरफ एक क्वाड्रेंट बचेगा, इससे हम लोग दो जीरोस निकालेंगे। तो सिंपली हम लोग को डिवाइड करने आता है, ये सिंपल सा एक है, और बहुत अच्छा से करके दिखा दिए हैं, देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए ये। ठीक है, ये हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री है। ठीक है, अब हमको चाहिए एक्स टू द पावर फोर, वो भी क्या, आगे में थ्री लगा हुआ रहना चाहिए, तो हम लोग एक्स स्क्वायर में किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से तो करेंगे, लेकिन आगे में थ्री भी रहेगा, तब ना एक्स टू द पावर फोर बनेगा, और आगे में थ्री भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो वैसे किए, और उसके बाद जो टर्म बना, ठीक है, उसके बाद बना माइनस फाइव एक्स बाय थ्री, माइनस फाइव एक्स बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय किससे हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और बन के ये आ गया, तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम बैठा दिए, अब ये तो सिंपली उतर गया, ये कट गया। ठीक है, अब माइनस टू एक्स स्क्वायर, अब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर, ये आ गया, फिर ये आ गया। ठीक है, आप लोग अब समझते होंगे, और बोलते होंगे कि बहुत अच्छा समझ में आ गया। तो अब आगे देखिए, आई होप आप लोग को अच्छा समझ में आया हो। तो यहाँ पे ये जो है क्वाड्रेंट जो मिला हमको, यहाँ तो रिमाइंडर जीरो मिल गया करके देखे तो, ठीक है, और जो क्वाड्रेंट मिला इसको हम लोग क्या करते थे, एक इसको हम लोग करेंगे ऐसा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते थे, और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म देखिए, जो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, नाइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नाइन एक्स स्क्वायर को ऐसा करना है कि प्लस माइनस करे तो ये आए सिक्स एक्स आए। ठीक है, नाइन को सिंपली फैक्टराइज करते हैं, थ्री थ्री जो नाइन, तो ये दोनों को प्लस कर रहे हैं तो थ्री प्लस थ्री सिक्स आ जा रहा, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही नाइन आ जा रहा, और एक्स स्क्वायर थ्री एक्स किया हुआ है। ठीक है, तो वही सिंपल हम लोग पहले भी देख चुके हैं, नाइन एक्स स्क्वायर नहीं, थ्री एक्स स्क्वायर आगे में जो लगा हुआ है वो लगा हुआ रहेगा, फिर प्लस थ्री एक्स, प्लस थ्री एक्स क्या बना रहा, प्लस सिक्स एक्स। ठीक है, लेकिन ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन एक्स स्क्वायर बना रहा ना जी, नाइन एक्स स्क्वायर बना रहा, जो ये दोनों मिलकर बना रहा था, वही करना है, वही तो देखना है,
और ये बच गया कॉन्स्टेंट। अब ये दो टर्म से, ये दो टर्म से 3x कॉमन आ रहा है और x प्लस वन बच जा रहा। अब ये दो टर्म से 3 कॉमन आ रहा है और x प्लस वन बच जा रहा। 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस वन इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस वन और x इज इक्वल टू माइनस वन आ गया। यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 था तो 3x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 3 यहाँ से कट गया तो माइनस वन आया ना जी। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, 3 है ना, हाँ 3 का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। आई होप इसको समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना, सिंपली डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद जो दो दो जीरोस दिया हुआ था उसको इक्वेशन बनाए, इक्वेशन बनाने के बाद उसको हम लोग डिवाइजर मान के डिवाइड किए। डिवाइड मानने के बाद जो क्वोटेंट आया, क्वोटेंट को हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सोल्व किया और दो जीरोस मिल गया। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ऑन डिवाइडिंग दिस बाय द पॉलीनोमियल जी एक्स द क्वोटेंट एंड रिमाइंडर, देखिए सिंपल सा क्वोटेंट एंड रिमाइंडर हमको दिया हुआ है तो हमको जी एक्स का मान चाहिए। डिवाइडिंग करना है इसको, जब डिवाइडिंग करेंगे इसको तो हम लोग जानते हैं, जानते क्या है, फर्स्ट चैप्टर से यही पढ़ते आ रहे हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर, ये है। ठीक है ना, हमको ये दिया हुआ है, इसका मान ये रहा। देखिए कितना आराम से समझ में आएगा, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जी एक्स लिखा हुआ है, मतलब ये हमको चाहिए। और क्वोटेंट और रिमाइंडर, क्वोटेंट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और रिमाइंडर जो है ये विंग से आएगा यहाँ पे, ये दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको चाहिए हमको, तो यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं ये देखिए। और सॉरी एक मिनट कटना मत। ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोटेंट रिमाइंडर, हज़ार बार बताएं। अब डिविडेंड दिया हुआ था, हम पिछले बार देखे क्वेश्चन में, ये जी एक्स था, ये इतना था, ये इतना था, बैठा दिए सिंपल। ठीक है, इसको क्या किए ना, यहाँ पे प्लस में, प्लस मतलब माइनस टू एक्स प्लस फोर है, इसको सिंपली इस साइड लेते लाएं, इसको सिंपली इस साइड लेते लाएं। और यहाँ पे माइनस टू एक्स है तो प्लस टू एक्स में बदल गया, प्लस फोर है तो माइनस फोर में बदल गया। अब इसको ये जो है इसमें कुछ बदलाव आएगा, एक्स क्यूब है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स और एक्स मैच कर जा रहा है तो प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स और एक्स मैच कर जा रहा है तो प्लस एक्स और प्लस टू एक्स, डबल डबल बता रहे ताकि डाउट ना हो कहीं पे। ठीक है, थ्री एक्स माइनस एच है, यहाँ पे प्लस टू और माइनस फोर, क्या आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा, ये सब तो पता होगा। इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई बाय, इतना आराम से समझिए, ये जो मल्टीप्लाई में है ये इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, एक बार बोलिए, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में आ गया। अब जी एक्स तो आराम से निकला लीजिएगा, डिवाइड तो करना है आप लोग जानते ही, इसको डिवाइड करना है ना, फटाक से कीजिए इसको। तो ये आ गया मेरा डिवाइजर, डिविडेंट अंदर में, और यहाँ पे एक्स को हम लोग को एक्स क्यूब बनाना है, एक्स स्क्वायर से करेंगे ना जी, हैं वही होगा ना। ठीक है, सही बात है, किए कट गया, फिर ये तो एक्स स्क्वायर से किए तो इसमें भी असर हो रहा है ना, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर आ जा रहा है। ठीक है, जो कट छट के आया ये आ गया। अब सिंपली एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो फिर एक्स को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए माइनस एक्स से करेंगे ना, क्योंकि माइनस एक्स है। ठीक है, तो किए सिंपली वही आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, काट दिए। अब फिर हमको मिल गया यहाँ पे प्लस थ्री एक्स और माइनस टू एक्स, तो क्या बन गया, एक्स बन गया, एक्स माइनस टू, और यहाँ भी सेम था तो प्लस वन से कर दिए एक्स माइनस टू, रिमाइंडर हमको जीरो मिल गया और हमको क्वोटेंट मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, जो कि मेरा जी एक्स है और यही हमको चाहिए था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 5। हाँ, यहाँ पे 5th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का। अच्छा, तो ये आखिरी क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का, पॉलीनोमियल्स इज कंप्लीट हो गया। और ये 5th क्वेश्चन जो है वो ये है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलीनोमियल्स दिस पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाइड द डिविजन एल्गोरिथम एंड फर्स्ट डिग्री पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री क्यू एक्स एंड दिस एंड दिस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि हम लोग सब क्वेश्चन में इसी को देखते आए हैं, इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इफ पी एक्स और जी एक्स हम लोग को दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, हमको चाहिए क्यू एक्स और आर एक्स। ठीक है, हमको चाहिए क्यू एक्स एंड आर एक्स। ये फॉर्म को बैठाने आप लोग भी जानते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ आर एक्स जीरो है और डिग्री ऑफ आर एक्स जो है ना हमेशा छोटा होना चाहिए, डिग्री ऑफ मतलब बी से जी एक्स है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, पहला क्वेश्चन था डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स हो, ऐसा कंडीशन देखिए। तो हम लोग एज्यूम मान लेते हैं एक्चुअली कि पी एक्स इज इक्वल टू, देखिए क्या माने हैं, 6x² प्लस 2x+2। ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा, इसीलिए जी एक्स इज इक्वल टू 2 मान लिए हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना, क्यू एक्स जो आ रहा है इसका, ये आ जा रहा है बाई डिवाइडिंग बाई पी एक्स बाई जी एक्स। ओके, क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है हमारा, 3x² प्लस एक्स प्लस 2, अब तू पूरा कर जा रहा है, रिमाइंडर हमको 0 मिल जा रहा है। तो डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स हम लोग देख सकते हैं, ये क्यू एक्स। ठीक है, ठीक है, अब वेरीफाई बाय एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है ना, तो पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स में हम लोग बैठा देते हैं इसको, बैठा दिए। बैठाने के बाद क्या देख रहे हैं ना कि ये जो है इक्वल हो जा रहा है, इक्वल तो हो गया ही। ठीक है, हेंस द डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे लिखा हुआ है, हेंस द डिवीजन एल्गोरिथम इज सेटिस्फाइड। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, देखिए स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। ठीक है ना, बहुत मेहनत से बनाया हुआ है, इसीलिए शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिसको इसका ज़रूरत है उसका तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, क्योंकि एक ही वीडियो में टोटल कंप्लीट हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक ना, तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं ये x³ + x / x² पी एक्स को हम लोग x³ + x। ठीक है ना, एक क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है, आराम से ऐसे कर दीजिएगा। और जी एक्स इज इक्वल टू हम लोग x² मान लेते हैं। क्यू एक्स क्या आएगा, डिवाइड किए x² कॉमन, क्या बोलते हैं, डिवाइड किए यहाँ पे x आ गया, और रिमाइंडर भी हम लोग का x आ गया। ठीक है, पी एक्स बाय, एक मिनट, x³ + x। ठीक है, और जी एक्स है x² एक्स से करेंगे तो x³ प्लस, अच्छा x³ आ जाएगा ना, एक मिनट, x³ ये माइनस कर गया यहाँ पे, प्लस माइनस यहाँ पे कर गया, तो रिमाइंडर और क्वोटेंट सेम मिल जा रहा, वही थोड़ा चेक कर रहे थे। नाउ लेट्स वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, वेरीफाई करना है x³ + x, तो हमारा जी एक्स है x² और क्यू एक्स है x और आर एक्स है x, तो x³ ये बना दे रहा है और प्लस x। ठीक है ना, तो ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है, हेंस द डिवीजन एल्गोरिथम इज सेटिस्फाइड। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है डिग्री ऑफ आर एक्स, यानी रिमाइंडर जो है डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल, अच्छा हाँ, इसका डिग्री ऑफ आर एक्स इज 0। ठीक है, देखते हैं कुछ कॉन्स्टेंट मिल जाएगा, तो डिग्री ऑफ आर एक्स इज 0 तो कॉन्स्टेंट मिल जाएगा। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि x³ + 1/x² अब हम लोग जब करते हैं x³ + 1/x² तो हमको यहाँ पे x³ चाहिए है, तो x से करेंगे तो x³ आ जाएगा, ओहो ये कट जाएगा, यहाँ 1 यानी कांस्टेंट हमको मिल गया 1, ये रिमाइंडर हमको मिल गया 1। तो सही में इसका हम लोग डिग्री देख रहे हैं कि 0 है, यानी कि मेरा काम बन गया। तो डिग्री जब 0 है, मेरा काम बन गया, यहाँ पे डिग्री इज इक्वल टू 0, लेट वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पे बैठा दिए। बैठाने के बाद आप लोग माहिर है ये करने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स शेयर ज़रूर कीजिएगा, एक वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 2.3 तक, 2.1, 2.2, 2.3 मैथमेटिक पोलिनोमियल आगे आएगा। आपका चैप्टर थर्ड क्या है, चैप्टर थर्ड है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और मोटिवेशन मिलेगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा, थैंक्स। ओके थैंक्स फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो इसी तरह आपको मिलती रहे। थैंक्स।